बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। महापंचायत में आपका स्वागत है। चुनावी साल है, चुनावी साल में वादों दावों आरोप प्रत्यारोप के बीच ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं जो अक्सर दब जाते हैं, लेकिन IBC24 की हमेशा ये कोशिश रहती है आम जन के सरोकारों को सबसे पहले रखने की। आखिर हमारी टैगलाइन ही यही है, सवाल आपका है। इसलिए आज हमने सजाया है ये नया मंच जिसका नाम है महापंचायत। इस मंच के जरिए आप तैयार हैं, हम तैयार हैं, ये मंच तैयार है, और आज हम यहाँ के जिम्मेदार प्रतिनिधियों से यहाँ की जमीनी हालात पर चर्चा करेंगे, खुलकर बहस करेंगे, यहाँ के नेताओं की जो लिस्ट है, जो मुद्दे हैं, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आम जनता की समस्याओं से जुड़े हुए हैं या नहीं। चलिए, महापंचायत आज सजी है छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर रविकांत मित्तल जी को, IBC24 एडिटर इन चीफ। जोरदार तालियां, ओपनिंग सेशन होगा, रविकांत मित्तल जी ये सेशन लेंगे, और खास मेहमान होंगे सेशन के लखनलाल साहू जी, सांसद हैं, बड़ा इनका योगदान रहा है, लंबे समय से रहे हैं और इन्हीं की योग्यता को देखते हुए इन्हें सांसद का पद मिला। मैं चाहूंगी मित्तल जी स्वागत करें सांसद जी का। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आज हम बिलासपुर पहुंचे हैं, बाकी जगहों पर भी हम जाएंगे महापंचायत का ये मंच लेके। ओपनिंग सेशन में मैं स्वागत करता हूं लखनलाल साहू जी का, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। साहू जी के बारे में आप तो सब जानते ही हैं, यहाँ के सांसद हैं, और जो इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसमें जितने भी नेता अगले सेशंस में भी आएंगे उनको एक शुरू में अपनी बात कहने का एक समय मिलेगा, और उसके बाद जो एंकर हैं वो उनसे सवाल जवाब करेंगे, और टाइम अगर हमें परमिट करेगा तो हम जनता के लिए भी सवाल पूछने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। तो साहू साहब, आप अभी, आपके पास 5 मिनट का समय है। सबसे पहले मैं IBC चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने महापंचायत के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अवसर दिए हैं। मैं निश्चित रूप से ये जो महापंचायत के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने जैसे शुरू में ही कहा कि मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाँव में जिस समय हम बच्चे थे उस समय इस तरह से प्रिंट की साधन नहीं था, तो हमारे जो पार्टी के नेता मतदाता सूची को गांव में जाके छोड़ देते थे, और हमारे गांव के जो वरिष्ठ पदाधिकारी या कार्यकर्ता रहते थे वो हम ही लोगों को बोलते थे कि आप ये चीट में लिख करके जो 80 पेज का कॉपी आता था उसको हम लोग मतदाता सूची बना करके उसमें लिखते थे, और लिखने के बाद में उसको मतदाताओं के पास, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे परिवार के सदस्य भी उसमें शामिल थे, उनके साथ, अपने पिताजी के साथ, बड़े भैया के साथ, मैं गांव में मतदाताओं के बीच जा कर के, और गांव के जो जहां पर वोट पड़ता है, बूथ जिसको हम मतदान केंद्र बोलते हैं, वहां पर भी एजेंट का काम किया हूं। तो वहां से हमें मेरी राजनीति शुरू हुई है, और धीरे धीरे फिर बाद में जिला पंचायत सदस्य बना, फिर मंडल अध्यक्ष बना, जिला बिलास मुंगेली जब अलग हुआ बिलासपुर से तो जिला भाजपा का अध्यक्ष भी बना, और इस तरह से लगातार राजनीति में काम करते रहा, और फिर पार्टी वालों ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बना करके, सांसद बना करके यहाँ पर सेवा करने का अवसर दिया है। पूरी जनता ने उस बात को स्वीकार किया, और अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने का सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज जो महापंचायत है इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4.5 साल में जो विकास के काम किए हैं, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो 14-15 सालों में जो विकास के काम किए हैं, इससे छत्तीसगढ़ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और आज लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से विकास की अवधारणा को हम सुनते थे आज वो स्वयं उसको जी रहे हैं, ये परिवर्तन आया है। एक समय हमारे छत्तीसगढ़ को पलायनवादी राज, भुखमरी राज और कमजोर राज्य के दृष्टिकोण से गणना की जाती थी,
आज निश्चित रूप से जब विकास की जब गणना की जाती है तो विकास के प्रमुख 5-6 जो राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ शामिल हो रहा है। ये जो परिवर्तन हुआ है निश्चित रूप से, चाहे सड़क के मामले हो, चाहे बिजली के मामले हो, चाहे अन्य विकास कार्य हो, सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं। मैं अपने 4.5 साल के जो कार्यकाल में, उसमें प्रमुख रूप से मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि वर्षों से पुरानी रेल लाइन थी, जो वर्षों मांग थी हमारे, खास करके जो मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ जो स्वीकृति हुए है, लगभग 5,950 करोड़, यानी लगभग 6,000 करोड़ रुपए का, यह बहुत पुरानी मांग थी। उसी प्रकार से हमारे काफ़ी समय से लंबित जो NH का, जो रायपुर से बिलासपुर का, उसका एक पार्ट जो उसका लोकार्पण भी हो चुका है सरगांव तक का, ये बहुत काफ़ी समय से लंबित था। उसी प्रकार से हमारे उड़ान योजना में जो यहाँ से हवाई सेवा का विषय है, उसकी भी स्वीकृति इसी कार्यकाल में हुआ है। यहाँ से कोरबा के लिए NH का, यहाँ से सारंगगढ़ के लिए, यहाँ से जसपुर होते हुए झारखंड तक का जो परियोजना है, ऐसे अनेक परियोजना जो इस क्षेत्र की आवश्यकता थी उनको हमारी सरकार ने पूरा किया है। आपकी बात सुनी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होंगे, अभी होने वाले जो हैं, तो उसको कौन जिताएगा आपके लिए? रमन सिंह जिताएंगे कि मोदी जिताएंगे? देखिए, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा उसको तो यहाँ की जनता जिताएंगे, और जनता इसलिए जिताएंगे कि आदरणीय मोदी जी की जो योजना है आज पूरे आम जनता तक पहुँच रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत आज 90,000 करोड़ से ज़्यादा, 400 से ऊपर योजनाओं से जो बचत हुई है, उस इसके कारण से नए नए योजनाओं को हम शामिल करके जनता को लाभ दे रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह जी की जो योजना गरीब से गरीब व्यक्ति के पास किस प्रकार से योजना पहुंचे और उस योजना का क्रियान्वयन जो हो रहा है, जिसके कारण से लोग महसूस कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी है, और इसके योजना को हम फिर से आशीर्वाद स्वरूप दे करके यहाँ पर चुनाव जिताएंगे। लेकिन लखनलाल जी, हो क्या रहा है कि लगभग 15 साल से आपकी यहाँ पर सरकार है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, हम जर्नलिस्ट लोग और जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आपने 15 साल तक तो चलाया, लोगों ने आपको जिताया, लेकिन अब ये 15 साल एक लंबा समय होता है एक ही मुख्यमंत्री लगातार रहे, तो लोगों के मन में ऐसी बात आ रही है कि अब जितना काम होना था शायद आप कर चुके, या जो काम हम उनके आपसे उपेक्षा थी वो उतने नहीं कर पाए, तो किसी नए लोग को मौका देना चाहिए, तो इस एंटी इनकम्बेंसी से आप कैसे पार पाएंगे? देखिए, इस समय एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, और एक उदाहरण है, पिछले 6 बार से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लगातार अच्छे काम हुए हैं, लोगों को फायदा हुआ है, विकास के कार्य हुए हैं, उनकी जो आकांक्षा थी उसको पूरा करने में हम सक्षम हुए हैं, इसलिए यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का विषय तो नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ अपेक्षाएं रही हो जो आज पूरा नहीं होगा या नहीं हो पाया होगा, तो हो सकता है उनके मन में हो कि भाई 15 साल में मेरे अनुरूप ये काम नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे जिस प्रकार से हमारे सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश की 3री बार सरकार चल रही है, हमारे 6 बार से गुजरात की सरकार चल रही है, तो लगातार जब योजना लोगों तक पहुंचता है तो उनको विश्वास होता है कि ये सरकार अच्छी काम कर रही है और आने वाले समय में फिर से इनको मौका देना चाहिए। जी, ऐसी एक योजना मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब हम सुबह रायपुर से चले और बिलासपुर के लिए जिस हाईवे से आए, ये हाईवे पिछले 15 साल से नहीं बना, और जनता की भी ये बात बहुत शिकायत है कि इस हाईवे को, और अब तो हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है जिसमें कि हाईकोर्ट काफ़ी सख्त हुआ है, तो आप बताइए 15 साल में एक हाईवे नहीं बने। आपने एक रेलवे लाइन का उदाहरण दिया जो अभी आपने उद्घाटन कराया, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन हाईवे नहीं बनवा पाए आप। देखिए, ये पिछले 15 साल की बात कर रहे हैं, जब UPA की सरकार केंद्र में थी उस समय भी इस योजना को हम लगातार लेकर के उनके पास गए थे, केंद्र सरकार के पास, लेकिन वो किसी न किसी मामले को ले जा करके उसको लटकाते रहे। जैसे ही हमारी सरकार आई, आने के बाद इस योजना की स्वीकृति मिली और काम भी शुरू हुआ। ठीक है, थोड़ा सा उसमें निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है, लेकिन काफ़ी काम हुआ है, 60-65% काम हो चुका है, बाकी काम चल रहा है। अभी हमारे जो सरगांव से इधर का जो रोड है
उसका आप देखे होंगे, आए होंगे, तो पूरा वो लगभग बन गया है। तो उधर भी काम चल रहा है, कहीं डाइवर्सर का काम, कहीं पर छोटी मोटी पुलिया का काम, तो वो जो प्रोसेस में है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। और इसके बारे में हमारे मंत्री जी स्वयं, मैं जब सदन चल रहा था तो आदरणीय गडकरी जी से और जो मनसुख भाई मांडविया जी हैं उनसे दोनों से बातचीत करके संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी कराए और उसका परिणाम रहा कि उसमें गति बढ़ा। उसके बाद भी जो समय है उसमें पूरा नहीं हो रहा है, यह निश्चित रूप से यह समय पर होना चाहिए ताकि लोगों को फायदा मिले। तो आपने कोई डेडलाइन, आपने कहा आपने बात की उसमें, तो कोई डेडलाइन ऐसी आप बता सकते हैं जनता को कि तब तक ये बन जाएगा? अब ये ऐसे बनने का समय इसका हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी नहीं बना, मैं भी उस बात को स्वीकार किया हूँ, लेकिन बन रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है, काम चल रहा है। उसमें कुछ जो परेशानियां थी उसको भी दूर किया गया है। एक और समस्या जो है बिलासपुर की, जो मुझे पता लगती है यहाँ की जनता से, कि बिलासपुर में जो है लोकल, आप यहाँ के सांसद हैं, एक सीवरेज का काम काफ़ी समय से चल रहा है, या जो सड़कों का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी समय से नहीं सुलझ पाया, और लगभग अब पिछले 5 साल हो गए, दूसरे चुनाव आ रहे हैं, मंत्री भी आप ही की पार्टी के यहाँ से मंत्री भी हैं, वो उसके बावजूद भी ये काम नहीं हो पाया। काम लगभग पूरा हो गया है, बहुत कम उसमें काम बचा है, और सीवरेज के कारण ही आज बिलासपुर शहर जो है स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है। बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चालू हुए हैं, और सीवरेज का काम लगभग पूरा ही हो गया, समझ लो 1-2 किलोमीटर कहीं बचा है, उसको भी पूरा करने के लिए चल रहा है काम। लेकिन सड़क का विषय है तो सड़क का जो मामला है वो काफ़ी दुरुस्त हो चुका है, पहले की अपेक्षा आज देखेंगे तो सारे तरफ की जो सड़क है वो लगभग बन चुका है, और निश्चित रूप से अब उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। आप सांसद हैं और एक जो जनता के लिए इस समय सबसे जो मुश्किल का काम है वो पेट्रोल और डीजल की समस्या है। लगभग आप ये मान लीजिए कि 100 रुपये किसी भी समय सेंचुरी मार देगा पेट्रोल। आपके जो मंत्री हैं पार्टी से, अमर अग्रवाल जी, वो भी यहीं बिलासपुर से हैं, उनके हाथ में था वैट कम करना राज्य में, तो आपने राष्ट्रीय स्तर पर और आपके मंत्री ने राज्य स्तर पर इसमें कुछ काम नहीं किया? जनता परेशान है इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के। निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल महंगा है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके कारण बहुत से हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय भी रहता है। और आप कंपेयर करेंगे 4 साल की जो पिछले समय जो रेट बढ़ा और अभी, लगभग आज 8 रुपये बढ़ा है प्रति लीटर, और पिछले 2010 से 2014 का रेट का आप तुलनात्मक देखेंगे तो 26 रुपये प्रति लीटर बढ़ा था और आज 8 रुपये बढ़ा है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से उतना बढ़ोतरी नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ा है, लेकिन इसमें नियंत्रण होना चाहिए। हमने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी आग्रह किया है, अभी हमारे अनिल जैन जी महासचिव आए थे, उसको भी निवेदन किया है, इसके कारण से थोड़ा सा असंतोष है, इस पर सरकार ध्यान दे और इस पर नियंत्रण करे। क्योंकि लखनलाल जी क्या है कि आपने खुद ही कहा कि आपको सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के भेजा जनता ने, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को इसीलिए चुना कि पिछली सरकारों से वो परेशान रहे होंगे, उनके सामने जो वादे हुए आप जो पिछली बार से कंपेयर कर रहे हैं उससे काम चलेगा नहीं, आपको काम वो करना पड़ेगा जो उन सरकारों ने बुरा किया, तो उसको आपको अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पिछली बार से उदाहरण देंगे तो ये तो जनता के साथ छलावा है। नहीं, देखिए उदाहरण इसलिए देना पड़ता है कि आप तुलनात्मक बात करेंगे तब समझ में आएगा कि कितना रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन रेट बढ़ा तो है ना, मैं मान लिया ना, मैं तो उसको स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपेयर इसलिए किया जाता है कि जो विरोध हो रहा है राजनीतिक ढंग से उसको तुलना करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पिछले समय कितनी बढ़ोतरी हुई, आज कितनी बढ़ोतरी हुई, और उसके कारण क्या है, कारण के ऊपर भी हमको जाना पड़ेगा। उस समय जब 26 रुपए बढ़ा तो कितने हो हल्ला हुआ, कितने घोटाला हुआ, कितने भ्रष्टाचार हुआ, ये सब देश के सामने है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज उस पर हमने अंकुश लगाने में सफल हुआ है, हमारी सरकार उस पर अंकुश लगाने में सफल हुआ है, निश्चित रूप से देश के लोग भी महसूस कर रहे हैं, सारे जनता इस बात को महसूस कर रहे हैं। और आज देखिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो साख बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ा है, ये सरकार की नीतियों के कारण है, सरकार के निर्णय के कारण है, सरकार की योजनाओं के कारण है, तो इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि उस समय से जो सरकार थी उस समय से आज बेहतर काम हुआ है, इसीलिए सारे जो विषय है राष्ट्रीय स्तर पर भी हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, भारत की जो साख बढ़ी है, जो मान सम्मान बढ़ा है, सम्माननीय मोदी जी को जो पुरस्कार मिला है और उस पुरस्कार को वो देश को समर्पित किया है,
तो काम हुए तभी पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत का सम्मान जब हो रहा है, मोदी जी का सम्मान हो रहा है, तो काम हुआ है उसका आंकलन हुए तभी तो हो रहा है ना। बट लखनऊ जी, होता क्या है कि आप कह रहे हैं कि स्वाभिमान बढ़ा है, काम बढ़ा है, लेकिन आखिर में रमन सरकार जीतने की क्या लिए कोशिश कर रही है कि सबको जी मोबाइल बांट दें। उन्होंने कहा जी 50 लाख मोबाइल हम जनता को बांट दें और लगभग हर परिवार में मोबाइल पहुंच जाएगा और उससे हमको जनता वोट देगी। देखिए ये विषय वोट का नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी कम थी और उसका जब हम आंकलन कराए तो अन्य राज्यों के तुलना में छत्तीसगढ़ की जो कनेक्टिविटी खास करके जो मोबाइल के मामले में आज भी कम है। एक तो बस्तर क्षेत्र जो है या हमारे जो सरगुजा क्षेत्र है जो बनाच्छादित है और नक्सलवाद से ग्रसित भी है, वहाँ पर बहुत सारे काम हो नहीं पाते। इसके कारण से जो समस्या आई है उस समस्या को जब हम कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है, आज भी नहीं है, सक्षम नहीं है हमारे क्षेत्र के लोग खरीदने में, उस बात का आंकलन करके ये जो 40 लाख जो बांटा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, उस बात का आंकलन करके सरकार ने निर्णय लिया है। अब सरकार कोई काम कर रहा है या कोई योजना ला रहा है तो यही सोचे कि ये केवल वोट के लिए ला रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे जो क्षेत्र है उसकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके ये योजना लाई जा रही है, ना कि केवल वोट के लिए। भाई इसके पहले भी चावल का वितरण किया गया, तो क्या चावल का वितरण केवल वोट के लिए किया गया था? यहाँ पर ऐसे बहुत से परिवार हैं जो रात में भूखे सोते थे, उनके परिवार को सही ढंग से भोजन नहीं मिल पाता था, इसलिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना ला करके उसको हम सुनिश्चित किए कि हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो परिवार जिसके पास खाने के लिए खाद्यान्न नहीं है उसकी सुरक्षा हो, उसको भोजन दोनों समय मिल सके, इस बात के लिए ये योजना लाई गई है, ना कि केवल वोट के लिए। सारे योजनाओं को हम केवल वोट के दृष्टिकोण से सोचेंगे, उसको देखेंगे समझेंगे तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि योजनाओं को विकास की दृष्टि से भी हमको सोचना पड़ेगा, लोगों को उससे जोड़ करके कि भाई किस बात की जरूरत है उस परिवार को, उसके हिसाब से योजना बने। अभी तक जो मुकाबला होता आया छत्तीसगढ़ में वो दो पार्टी का आमने सामने मुकाबला होता था, कांग्रेस बीजेपी, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली है। जोगी जी की अपनी पार्टी है, उनका एक प्रभाव है, आपके इलाके में भी काफ़ी प्रभाव है और उन्होंने जाके मायावती से हाथ भी मिला लिया है, तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की बात काफ़ी चल रही है। और आपके क्षेत्र में तो कुछ आपके कैंडिडेट भी अलग अलग अगर हम सीटों पर देखें तो काफ़ी वो अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो त्रिकोणीय स्थिति बन गई है उससे नुकसान क्या कहते हैं भाजपा को होगा? वो तो देखिए बाद में पता चलेगा किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, लेकिन एक बात तय है कि इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि एक तो बसपा पहले से ही यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, अब बसपा के साथ योगी जी का समझौता हो गया तो उसकी ताकत बढ़ी है, और खास करके बिलासपुर जिले के तो निवासी हैं तो बिलासपुर में उसका खास प्रभाव रहेगा, क्योंकि जहाँ पर उनका समझौता हुआ है उस जगह में तीसरे नंबर पर बसपा आती रही है, और कुछ जगह तो उनका जो पुराने बसपा के कैंडिडेट हैं वो आज जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। और मुझे लगता है इस बार का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय चुनाव होगा, और जब त्रिकोणीय चुनाव होगा तो हम तो पहले से ही बसपा के खिलाफ भी चुनाव लड़े हैं, हमारे गुड़वाना पार्टी भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, नया जोगी कांग्रेस का हो गया, ये सारे हमारे खिलाफ पहले से ही लड़ते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान नहीं होगा, ऐसे मुझे आंकलन लगता है। तो लेकिन ये तो कहा जाता था कि जोगी जी सहायता आप ही की करते हैं चाहे वो दूसरी उसमें हो, तो क्या ऐसा तो नहीं कि मायावती को मनवाने में भी आप ही पार्टी का हाथ है? ऐसा नहीं है, ये राजनीति में सब आरोप प्रत्यारोप बिना तथ्य के लगाए जाते हैं, और जिसका कोई तथ्य नहीं है उसमें आरोप लगा देना ही कोई विषय नहीं है। यदि ऐसा रहता तो हम उनके खिलाफ चुनाव थोड़ी लड़ते। अभी देखिए जब से चुनाव हो रहा है उन्हीं के परिवार के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ, पिछले भी चुनाव में हमारे लोकसभा में जब वो चुनाव लड़ा बिलासपुर से जुदेव जी लड़े थे, महासमुंद से जब चुनाव हुआ तो हमारे कैंडिडेट के चंदू साहू जी लड़े थे, बल्कि वो षड्यंत्र किया हमारे खिलाफ 11 चंदू साहू को खड़ा करा करके, तो हमारे खिलाफ वो हमेशा चुनाव लड़े, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, ये समझौता वाली जो है अफवाह है, फालतू ये आरोप लगाना ठीक नहीं। इस बार कहा जा रहा है कि शायद आप विधानसभा चुनाव लड़ें, ऐसा होगा क्या? मुंगेली से आप लड़ सकते हैं चुनाव? मुंगेली तो आरक्षित सीट है, वहां से तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ सकता, तो आप इसी के लिए आरक्षित है। देखिए मैं कहीं पर भी विधानसभा के संबंध में अपनी मनसा जाहिर नहीं किया हूँ, और ना आज भी मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे इच्छा नहीं है। मैं यदि पार्टी चाहेगी तो लोकसभा में यदि मौका देगा तो मैं लड़ सकता हूँ,
लेकिन वो पार्टी का निर्णय है, उसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पार्टी का जो निर्णय होगा उसको मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ और पार्टी के सिपाही होने के नाते जो पार्टी का आदेश होगा उसको मुझे मानना होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहीं पर कोई विधानसभा के संबंध में मंशा नहीं जाहिर किया है, न ही इच्छा व्यक्त किया है, न इच्छुक भी हूँ, न मेरी तैयारी है। अच्छा, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है कि अगर आप कहने कि रमन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, 15 सालों से उनका चेहरा आप लड़ते हैं, तो क्या ऐसा है कि आपके पास एक चेहरा है और आपकी जो विरोधी पार्टी है उसके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, वो किसी एक के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते, इससे आपको फ़ायदा होता है? देखिए, यह राजनीतिक विषय है। हमारे पास तो स्पष्ट चेहरा है, 15 साल से यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। विरोधी पार्टी खास करके कांग्रेस जो यहाँ पर मुकाबला में रहता है, उनके एक नेता का यदि डिक्लेयर कर दिया जाए तो हम उसको मान लेंगे कि ये भाई डॉक्टर रमन सिंह के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं इनके नेतृत्व में। लेकिन आज वो अपने में ही स्वयं इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री का घोषित करके हम चुनाव लड़ें। तो ये जो मतदाता है उनके मन में ये प्रश्न है कि भाई जब ये स्वयं होकर के अपना नेता चुन नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे चुने। इसलिए जो खुले दिल से जिसका माने खुले मंच से जिसका नेतृत्व चल रहा है 15 साल से, वो हमारा सेवा कर रहा है तो हम उनको नेता मान करके उनको मौका दें सेवा करने का, ये तय करते हैं जी। और इसलिए यहाँ पर ये चर्चाएं होती है, कभी टी एस सिंहदेव बाबा का होता है, कभी ताम्रध्वज साहू का होता है, कभी भूपेश बघेल का होता है, तो कभी चरणदास बंद का होता है। ये अपने अपने तरह से लॉबिंग कर रहे हैं कि मुझे मौका मिलना चाहिए जब सरकार आएगा। सरकार आया ही नहीं है, चुनाव हुआ ही नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से ये लोग रणनीति बनाते हैं अपने पार्टी के अंदर कि मेरा चले, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। लेकिन जनता यहाँ मान चुकी है कि ये स्वयं अपने आप में जब निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, चेहरा नहीं बना पा रहे हैं, तो हम इनको क्यों मौका दें जी। और क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो 5 साल में अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं तो जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल बनता है कि अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम ना किया हो, तो क्या आपकी पार्टी में चूंकि आप राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसा कोई मंशा है कि आप टिकट ज़्यादा बदल देंगे जिससे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए, या जितने अभी सिटिंग MLA हैं या मंत्री उनको सबको टिकट मिल जाएगा? देखिए, ये विषय तो चुनाव समिति है, आप सभी जानते हैं चुनाव का एक पद्धति है हमारी पार्टी में। जब पर्यवेक्षक भेजेंगे, वहाँ की कार्यकर्ताओं से जानकारी लेंगे, कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे, उसका फिर चुनाव समिति विश्लेषण करता है और उस विश्लेषण के आधार पर राष्ट्रीय कमेटी जो हमारी चुनाव समिति है उनके पास भेजा जाता है। और उसके अलावा पार्टी के द्वारा बहुत सारे अन्य प्रकार की जो एजेंसियाँ हैं या पार्टी के जो विश्वस्त सूत्र हैं उन सब के माध्यम से जानकारियाँ भी इकट्ठा की जाती है। और इन सब जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद निर्णय किया जाता है कि जीतने वाला कैंडिडेट उस विधानसभा से कौन हो सकता है, उसके आधार पर टिकट तय करते हैं। और जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं सभी प्रकार के जो विश्लेषण होते हैं उसमें फिट बैठते हैं उसको टिकट दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में टिकट के संबंध में कोई विवाद कभी नहीं रहा है, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए सारे कार्यकर्ता मिल करके काम करते हैं। आप 15 साल से शासन में हैं, अब अगले 5 साल अगर आपको जनता वोट दे तो आप क्या ऐसा करेंगे, वो आप क्या कह के जाएंगे जमीन पे कि भाई हम ये करेंगे, आप हमें दोबारा वोट दीजिए? हमारा तो एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। लगातार हम काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी जो परियोजनाएं बची हुई है उन परियोजनाओं को पूरा करेंगे। इसके अलावा नई और जो हमारे क्षेत्र की, प्रदेश की, जिले की जो आवश्यकता है उसका आंकलन करके उस कार्यों को भी पूरा करेंगे। और सबसे प्रमुख बात है कि हम अपने क्षेत्र के, चाहे राज्य हो, विधानसभा हो, इनके विकास के लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो विकास है वो तेज गति से हो, वहाँ के निवासी भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा मिल सके जी। जनता में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं काफ़ी हाथ देख रहा हूँ जिनके माइक, हाँ आप महिला बैठी हैं, महिला से शुरुआत करते हैं फिर आपके पास आएंगे। ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ने मोबाइल बांटा है, उसका बैलेंस आपने ये सोच के बांटा है कि मतलब वो स्मार्टफोन नहीं खरीद सकती गरीब जनता, तो इसलिए मोबाइल बांटा गया, लेकिन वो मोबाइल का बैलेंस आपका किसी का 15 दिन में ख़त्म हो गया, किसी का महीने भर में ख़त्म हो गया, किसी का काम ही नहीं कर। सरकार ने उसमें अपना फ़ोटो तो लगाया है, रमन सिंह का फ़ोटो जैसे ही ऑन करो आता है, लेकिन बैलेंस ही नहीं है, तो किस काम का है मोबाइल? इसका ही योजना जिसमें मोबाइल बांटा गया है, ये कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए किया गया है। अब आपने जो कहा कि भाई किसी का
दो दिन में बैलेंस खत्म हो रहा है, पाँच दिन में खत्म हो रहा है, उसका जो निर्धारित जो वो है उससे ज़्यादा यदि यूज करेगा तो जल्दी ख़त्म होगा, एक बात। दूसरी बात, जो उसमें पद्धति बनाई गई उस पद्धति पर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से उस योजना का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। उनके सवाल में ऐड करता हूँ, क्योंकि ये सवाल हमारे पास भी आ रहा है कि सरकार ने मोबाइल बांट दिया और ये जो मोबाइल जो चलता है वो केवल डेटा पैक पे चलता है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ के प्रतिनिधि होने की वजह से आपको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए कि उसमें डेटा पैक बढ़ा दें, आप यही चाहती है ना? ये तो मांग हुआ ना, प्रश्न थोड़ी हुआ। हाँ, ये तो मांग हुआ, वो कहना यही चाह रही है। मांग को पहुंचाएंगे हम मुख्यमंत्री तक, मांग है तो। हाँ जी, जब तक मोबाइल चल रहा है तब तक उसमें बैलेंस डलवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई भी योजना जो है जब शुरू की जाती है या दी जाती है, जैसे पूर्व में भी जो सब्सिडी मिला है तो जीवन भर के लिए सब्सिडी कोई नहीं मिलता, वो समय के हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से बदलाव होते रहता है। तो इसमें भी बदलाव होगा आने वाले समय में, जो अभी तो शुरुआत है, इसका विश्लेषण होगा, इसका प्रयोग जब हो जाएगा तो समझ में आएगा भाई इसके लोगों को किस प्रकार से फायदा हो रहा है, किस प्रकार से इसमें और सुविधा बढ़ाना है या किस प्रकार से इसमें सुविधाओं का विस्तार करना है। ये जब उपयोग होगी और सरकार के पास आंकलन आएगा तब उसकी जो आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो बैलेंस का विषय है इस पर ध्यान दे करके सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको उस पर संशोधन करेगी। बस प्लीज अब आप बैठ जाएं, आप अगला सवाल। मैं ऋषि पांडे, लखनलाल साहू जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपने बहुत लंबी बात कही है पर मैं आपको चुनाव 2014 की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 2100 समर्थन मूल्य प्लस 300 बोनस पे धान खरीदेंगे, पर आज तक वह वादा आपने पूरा नहीं किया, उल्टा 200 MSP बढ़ने पे आप वाहवाही लूट रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, समर्थन मूल्य का विषय केंद्र सरकार निर्धारित करती है और केंद्र सरकार ने हमारी जो घोषणा पत्र है जिसको हम लोग संकल्प पत्र कहते हैं, केंद्र के संकल्प पत्र में आप देखेंगे ये वादा किया गया था कि जो किसान का जो उत्पादन है उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना हम लोग देंगे और उसी बात को आज सरकार ने माना है। 200 रुपये जो पहले बार बढ़ा, इसके पहले आप देखेंगे धान की कीमत में इतना बढ़ोतरी कभी नहीं हुआ जी, कभी नहीं हुआ जी। पहले बार 200 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और जो वादा किया गया था सरकार के द्वारा हमारी कि हम उत्पादन के 1.5 गुना मूल्य किसानों को देंगे उसको पूरा किए हैं। केंद्र सरकार को अधिकार है ना कि राज्य सरकार को कोई भी चीज़ का निर्धारण करने का, और आज देख लीजिए आप 200 रुपये बढ़ाए हैं, आज 1770 रुपये, 50 रुपये और 300 रुपये जोड़ लीजिए 2100 रुपये आपका बनता है। नहीं नहीं साहू जी, हुआ क्या है कि यहाँ की सरकार ने कहा था कि हम हर साल बढ़ाएंगे, 14 में दिया, 15 में नहीं दिया, 16 में नहीं दिया, फिर 17 में दिया और अभी अनाउंस किया, तो वो कह रहे हैं कि अब हर साल की बात हुई थी तो आप बीच में 2 साल चुनाव नहीं थे इसलिए उसमें आपने नहीं दिया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव आ गए तो आप दे रहे हैं, चुनाव के कारण नहीं दे रहे हैं, 3 साल तीसरी बार दे रहे हैं, 2 बार तो मिल चुका है, तीसरी बार मिल रहा है। इस साल जो धान खरीदी होगा वो तीसरी बार होगी, 2 साल कुछ अड़चन था और अड़चन जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से था, उसके अन्य राज्य के लोग भी उसमें शामिल थे, बाकी हमारी सरकार आप ही की थी। सुनो तो नहीं, दूसरे राज्य में हमारी सरकार नहीं थी, वहाँ सहमति नहीं बन पा रही थी, इस कारण से ये योजना नहीं लागू हुई और जैसे ही वहाँ पर सहमति बना हमारी सरकार उसको तुरंत लागू करके किसानों को 300 रुपये बोनस दिया। मेरा नाम करण मधुकर है। छत्तीसगढ़ राज्य रमन सरकार ने मुख्यमंत्री LED बल्ब लैंप योजना वितरण के तहत 31/1/2018 में इन्होंने BPL एवं APL उपभोक्ताओं को 91,82,582 इन्होंने बल्ब बांटने का जिन्होंने सूचना के अधिकार तहत जानकारी दी, लेकिन कितना में खरीदा इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आज भी गरीबों, लाखों घर के जो गरीबे हैं उनके यहाँ ये बल्ब LED बल्ब पहुँचा ही नहीं है और ये सिर्फ कागजी तौर पर ही बल्ब बांटा गया है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं कि आपने करोड़ों का घोटाला किया है? आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। आप मेरे साथ चलिए, किस किस गरीब को नहीं मिला है उसको बता देना, और मेरे साथ चलिए कितने लाख लोगों को मिला है आपको दिखा दूंगा। मैं भी घूमता हूँ, गरीब के यहाँ भी जाता हूँ। आज LED बल्ब का पारदर्शी तरीके से वितरण हुआ है और पहले जो 300 से ऊपर में खरीदी होती थी आज मात्र 30 से 35 रुपये में खरीदी, 40 रुपये में खरीदी करके उनको बांटा जा रहा है और गरीबों को तो निःशुल्क दिया जा रहा है जी। अगला सवाल। आप विकास की बात करते हैं 15 साल में,
इन्हीं के शासनकाल में हर विभागों ने इन्हीं का विरोध किया, विकास किसका हुआ है ये मेरे को स्पष्ट करें। ये देखिए आप जो बात कर रहे हैं जनरल बात कर रहे हैं, एक विभाग का बताओ, एक कर्मचारी का बताओ, एक वर्ग का बताओ। किसान की बात करते हो आप, किसान कहीं पर कोई विरोध नहीं किया है। ये राजनीतिक रूप से विरोध हुआ है, जो विरोधी दल के लोग हैं वो विरोध किए हैं। अभी जो कोटवार की बात कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी की बात कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी ने अपनी मांग रखी है, विरोध नहीं किया है। भी उन्होंने संविलियन के लिए, हमारे नेताओं ने कहा कि भी हम आपको संविलियन करेंगे, वो मांग है तो उस मांग को पूरा किया है हमने। आज शिक्षा कर्मी उसका सम्मान किया, दो दिन पहले देखिए रायपुर में जाकर लाखों शिक्षा कर्मी जाकर के, तो ये विरोध नहीं है, ये मांग है। मांग को पूरा करने के लिए सरकार को बाध्य किया जाता है, तो उन्होंने किया और उसको हमने पूरा किया है जी। आप लोग का सवाल थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई आप अपनी समस्या या पूछना चाहते हैं जी। प्रशांत तिवारी सर, से मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना जो बात की है वो तो धरातल पे तो भी कुछ नहीं दिख रहा है, केवल साफ केवल खाली खाली है। शहरी शहरी ग्रामीण की नहीं बात कर रहा, हो गया जी। दो प्रकार की प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, एक ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण में तो पूरा निःशुल्क पैसा दिया जाता है, जिस हितग्राही को चयनित किया जाता है उस हितग्राही को उनके पूरे जो नॉर्म बने हुए हैं उसके अनुसार उनको पैसा समय समय पर 2-3-4 किस्तों में दी जाती है। जहाँ तक आप शहरी आवास योजना की बात कर रहे हैं, आप देखे होंगे बहुत से जो स्लम एरिया हैं, बिलासपुर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बहुत से परिवारों को शिफ्ट किया गया है। जो हितग्राही अपना मकान बनाना चाहते हैं उसको सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, लगभग 2.5 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपए करीब पूछे, हाँ लगभग मैं बता रहा हूँ 2.5 लाख रुपए। और वो कुछ अपना भी अंश लगाएंगे और वो उसके हिसाब से जब वो तैयार हो जाएंगे, उसके प्रकरण बन जाएंगे, तो ऐसे बहुत से हमारे बिलासपुर ही नहीं आसपास के शहरों में भी बहुत से परिवारों को दिया गया है। लेकिन उसमें हितग्राही को कुछ अपना भी लगाना पड़ेगा और शासन की जो योजना उसका फायदा मिलेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में पूरा सरकार के पैसे से वो 2011 में जिसका नाम है, जिसको चयनित किया गया है, और उस चयनित परिवार को पूरा राशि दी जाती है। और कौन पूछना चाहते हैं? मैं सांसद महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, जितने भी अभी ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बने हैं वो शौचालय का पूरा आजू बाजू पाखा पूरा गिर रहा है। हमारी माताएं बहनें आज भी रोड में शौच करने के लिए जा रहे हैं, ये क्या स्वच्छ भारत मिशन है जी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आज भी ऐसे बहुत से ग्राम पंचायत हैं जहाँ मात्र नाम से बस शौचालय बनाया गया है, वहाँ शौचालय नहीं बनाया गया है। बहुत अच्छा सवाल है लखन जी, इसमें मैं भी ये जोड़ना चाहूँगा कि हमने भी कुछ इस तरह की जब स्टोरीज की पता किया तो एक तो ये बहुत गलत अच्छी क्वालिटी के नहीं बने हुए हैं, और कई जगह नहीं बने हैं तो भी उनको ODF का वो दर्जा दे दिया गया है। इसके ऊपर कोई ऑडिट आपकी सरकार करा रही है क्या? देखिए ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों जगह है। ODF का जहाँ तक प्रश्न है उसका एक पद्धति बना हुआ है, उस पद्धति में जो गांव शामिल हो जाता है उतना उस परसेंटेज में उस गांव में शौचालय बन जाता है, उसको ODF घोषित किया जाता है। अब जहाँ तक प्रश्न आप जो बोले हैं वो दो प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, एक तो जो दीवार गिर रहा है मतलब क्वालिटी ठीक से नहीं बना, ये विषय है, और दूसरा है कि पूरा नहीं बना है। बहुत से ऐसे परिवार आज भी हैं जिनके यहाँ शौचालय नहीं बना है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। उसका कारण है जिस समय इसकी सूची बनी उस समय बहुत से लोग बाहर थे, उनका नहीं बना होगा, जो शुरू में ODF करने के लिए जो 2011 शुरू में किए बाद में उसका विस्तार किए, उसका जो परिवार जैसे बढ़ गया, पहले एक में था आज चार भाई है तो अलग अलग हुए, वहाँ पर भी ज़रूरत है। तो इस तरह से बहुत से परिवार आज छूटे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं छूटे हुए हैं, आज भी छूटा हुआ है उसको मैं मान रहा हूँ, लेकिन ODF होने के बाद यदि उस गांव में बहुत से परिवार छूट गए हैं तो उसके लिए सरकार ने ये प्रयास किया है उसको सूचीबद्ध किया जाए, आने वाले समय में उसको किस प्रकार से हम इस योजना से जोड़ सकते हैं। दूसरी बात ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये एक मर्यादा का भी विषय है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे जो सक्षम परिवार है जो स्वयं होकर के भी शौचालय बना सकते हैं वो सरकार के मुँह ताक रहे हैं, क्यों जब तक सरकार हमको प्रोत्साहन राशि देगा तभी हम बनाएं। तो इस आदत को इस व्यवहार को भी हमको बदलना पड़ेगा। यदि मैं सक्षम हूं जी और मुझे आवश्यकता है कि मैं सम्मान के साथ इस क्रिया को करूं तो मुझे उसका निर्माण अपने घर में कराना चाहिए। इन्हीं कारणों से शासन से उनको नहीं मिला है
और वो गरीब है जिसको बनाने में वो सक्षम नहीं है उसको मिलना चाहिए, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। और आईबीसी 24 की तरफ से भी ये कहना चाहते हैं, हमने भी ये मुहिम चलाई थी कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, अपनी चीज़ों को आसपास स्वच्छ रखना। और मुझे लगता है कि बिलासपुर तो काफ़ी स्वच्छता के मामले में आगे है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है और हम सबकी जिम्मेदारी है। बिलासपुर तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका 22वां स्थान मिला है। हाँ, 4000 जो देश के शहर हैं उसमें इसमें प्रतियोगिता इसका कंपटीशन हुआ, उसमें 22वां स्थान मिला जी, शहर की बस ना, शहर का। हाँ। और ग्रामीण क्षेत्र भी ओडीएफ घोषित हो चुका है। आज पूरे देश की हम गणना करें तो लगभग 6 करोड़ से ऊपर शौचालय बना है। वही है। अब 6 करोड़ शौचालय बनेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कुछ ना कुछ विषय आएगा जी। और इसलिए ये जो विषय है यदि सामाजिक विषय है इस पर हमको भी अग्रेसिव होकर के काम करने की जरूरत है जी। हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि जिनको मदद नहीं हो पाई है हम उनकी मदद करवाएं अगर वो इस चीज को नहीं समझते हैं जी। अगला सवाल सांसद महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं जी। आपने अभी बोला कि हजारों लाखों घरों में उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाए हैं। आज महंगाई इतनी है कि कोई 900 से ऊपर है प्रत्येक सिलेंडर, तो कोई गरीब जब मिला उसके बाद दोबारा भरा ही नहीं पाते, आज भी चूल्हे में खाना बना रहे हैं जी। ये बहुत वैलिड सवाल है कि हो क्या रहा है लखनलाल जी, कि जब एक मिल जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे सिलेंडर खत्म हो गया तो कई परिवार उसको दोबारा नहीं भरवा पा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग कुछ काम कर रहे हैं क्या? देखिए इसमें भी सब्सिडी दे रही है हमारी सरकार, ऐसा नहीं है कि नहीं उसमें हो रहा है, और डायरेक्ट उसको खाता खोल करके उसके खाते में डाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि कोई गरीब व्यक्ति जिसको उज्ज्वला के तहत मिल गया है वो दोबारा नहीं भरा रहा है, आखिर क्या लकड़ी जैसे है, कंडा है या अन्य जो संसाधन है उसको भी तो खरीदेगा, तो गैस से उसका कंपेयर करो तो आज भी गैस का कीमत उससे कम है। लेकिन ये आप लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि लोग दोबारा खरीद नहीं रहे हैं, अगर उसको खरीदें कुछ इस तरह की कैंपेन आप लोगों को चलाना पड़ेगा। वो तो वही आदत वाला विषय है ना, बहुत से लोगों को लगता है कि भाई मैं मेरे को फ्री में जब कोई चीज़ मिल जाता है तो उसका मैं उपयोग ही क्यों करूँ। पड़ा हुआ है जैसे शौचालय में मैं दौरा गया था एक गाँव बेलतरा विधानसभा में, अब वो शौचालय इतना बढ़िया बना है, पानी का संसाधन है सब है, और उस शौचालय में क्या किया था वो गांव में क्या बोलते हैं अरहर की जो पेड़ होता है क्या बोलते हैं उसके गांव छत्तीसगढ़ी भाषा में नाम नहीं मुझे, उसको बांध करके रहटिया बोलते हैं, उसको बांध करके उस शौचालय में रख दिया है, जबकि वो चाहता वो व्यक्ति तो उसका उपयोग कर सकता था ना, लेकिन उसका आदत बना हुआ है बाहर में जाने का, तो ये जो आदत बना हुआ है इसको हमको बदलना पड़ेगा। चलिए हाँ जी, अच्छा बस एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ जी। साहू जी आपने अभी बोला था कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इसलिए उन लोग क्या लड़ेंगे रमन सिंह जी से, मेरे को सर 2003 की घटना याद आ रही जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, शायद उस समय भी भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा को आगे नहीं किया था, उस समय आप लोग सत्ते में आ गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे सर्वोच्च नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जो संगठन के काम को देखते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा जो नेतृत्व है डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, एक बात हो गई। और जहां तक आप प्रश्न कर रहे हैं 2003 के पहले की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई तुम्हारे पास आप घोषित कर दो ना आपके पास चेहरा है, तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि आपके पास चेहरा है। आप लोग जब मैं भी व्हाट्सअप देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, मीडिया देखता हूँ, किसी दिन टीएस सिंहदेव का छपता है तो वो सफाई देते हैं कि मैं इस दौड़ में नहीं हूँ, किसी दिन ताम्रध्वज साहू का नाम छपता है तो वो कहते हैं व्हाट्सएप में चलता है तो मैं इस दौड़ में नहीं हूँ, भूपेश जी बघेल कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जब जो तय करेंगे वही होगा, तो यह तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही के नेता लोग कह रहे हैं, ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप जनता के सामने स्पष्ट करिए और जनता जब स्पष्ट करेंगे तभी तो मानेंगे आपको ना। और अब तो सीडी में भी कह रहे हैं कि बाकी नेताओं को कैसे हटाया जाए रास्ते में, सीडी का देखिए ये विषय में मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये तो छत्तीसगढ़ में राजनीति के स्तर को गिरा दिया। चलिए हम तो कल्पना नहीं किए थे इतना नीचे स्तर पर भी कभी राजनीति छत्तीसगढ़ का जा पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात यहाँ पर रखी, जनता के सभी सवालों का आपने जवाब दिया और पंचायत में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए हमारे क्षेत्र के सभी जनता है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत से विषयों पर अच्छे अच्छे सुझाव और विषय हमारे सामने लाए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में और अपने क्षेत्र की जो आवश्यकता है उसको हम किस प्रकार से आप लोगों के सुझाव के अनुसार पूरा कर सके इसके लिए निरंतर काम करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।